हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। चाइना में एक नए स्कल की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम ड्रैगन मैन रखा गया है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने के लिए एक नया डायमेंशन होगा। ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी को काफी हद तक ये बदल के रख देगा। ये रहा ये स्कल, आप देख पा रहे हो। ये स्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट अवस्था में मिला, टूटा फूटा नहीं मिला। अगर ये आज एक आकृति होता तो ऐसा प्रोजेक्ट किया है, कुछ इस तरह से ये आज आपको दिख रहा होता। अगर ये आपने हैबिटाट में होता तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होता। तो ये कहाँ पाया गया? ये चाइना में पाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये रहा चाइना। चाइना में ये वाला जो पोर्शन है उसमें एक सिटी है जिसका नाम है हार्बिन सिटी। हार्बिन सिटी से होके एक सोंगवा रिवर गुजरती है, वहां पे ये स्कल पाया गया है। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्कल 1,46,000 ईयर ओल्ड हो सकता है। साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं, रिसर्चर ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक ऑल टुगेदर एक नया ह्यूमन स्पेसीज हो सकता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज किसके बारे में? कि इवोल्यूशन क्या है उसके बारे में। मोस्ट ऑफ जो लोग आप लोगों में से हो, इवोल्यूशन क्या है वो समझते हो, बट मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। इवोल्यूशन क्या है? चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन को डिफाइन किया था, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट जो है, अवतरण जो है, अगर किसी स्पेसीज में फ्यूचर में कुछ मॉडिफिकेशन हो के कुछ नया स्पेसीज क्रिएट होता है, उसको हम लोग डिसेंट बोल सकते हैं या टोटल में इवोल्यूशन बोल सकते हैं। इवोल्यूशन एक नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब नेचुरली बायोलॉजिकली ये प्रोसेस है जो एडाप्टेशन के लिए होता है। एडाप्टेशन का मतलब, जैसे मान लो कि अगर अगर कोई प्रजाति है वो और सारे ऑफ स्प्रिंग, मतलब और सारे बच्चे वगैरह पैदा करती है, क्रिएट करती है, तो ऐसे काफी चांसेस हैं कि जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो कम पड़ जाए, रिसोर्स क्रंच हो जाए, या टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट में काफी चेंजेस आ जाए। तो उन चेंजेस को कोप अप करने के लिए एडाप्टेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो एडाप्टेशन ही कुछ और नहीं बल्कि इवोल्यूशन है। ऐसा चार्ल्स डार्विन बोलते हैं, जो आप सबको, मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी पता होगा। दूसरा जो टर्म यहाँ पे आएगा वो स्पेसीज आएगा। स्पेसीज समझ लेते हैं कि स्पेसीज क्या होता है। तो बायोलॉजी में स्पेसीज बोलते हैं वैसे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं और इंटरब्रीडिंग के कैपेबल है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसीज बोलते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ ह्यूमन स्पेसीज कितने अभी तक रहे हैं ये कोई गारंटी से नहीं बोल सकता, बट स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो यूएसए में है वो ऐसा कहता है कि अभी तक कम से कम 21 ह्यूमन स्पेसीज पाए गए हैं। वो 21 ह्यूमन स्पेसीज को वो यहाँ पे टाइम स्केल पे दिखाता है। आप देखोगे यहाँ पे 12 ह्यूमन स्पेसीज आपको देखेंगे, और ये रहा पहला ह्यूमन स्पेसीज जो टाइम स्केल पे दिखाया गया। अब आप ये ऐसा बोल सकते हो कि ये ह्यूमन स्पेसीज सर जो है इनका जो फिगर है ये ऑलमोस्ट सेम है, तो हो सकता है बहुत माइन्यूट चेंजेस रहे हो और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पाए गए हो, या इनकी एग्जैक्ट जो फिगर का प्रोजेक्शन है वो देखने को नहीं मिला हो, इस वजह से ऐसा फिगर पाया गया है। आगे 12 के अलावा ये 9 स्पेसीज और हो गए, जो मिनिमम 21 स्पेसीज ह्यूमन के अभी तक पाए गए हैं। यहाँ पे आता है होमो सेपियंस, जो हम लोग हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, वो सब क्या है? होमो सेपियंस ही है। और इनके क्लोजेस्ट किसको बोला जाता है? नियंडरथल्स को। क्या बोला जाता है? क्लोजेस्ट बोला जाता है। तो ये रहा ह्यूमन के 21 स्पेसीज। अभी जो नया ड्रैगन मैन पाया गया है वो इन 21 में अभी तक शामिल है ही नहीं, बिकॉज अभी तो ही वो पाया गया। अगर हम टाइम स्केल पे बात करें, ये रहा मिलियंस ऑफ ईयर, ये रहा टुडे। तो पहला स्पेसीज अगर यहाँ फाइंड किया गया था 7 मिलियन ईयर अगो, ऐसा बोला जाता है कि पहला स्पेसी ह्यूमन का तब एग्जिस्टेंस में रहा होगा, तो अभी हम लोग होमो सेपियंस कहाँ है? मिलियंस ईयर से भी कम के टाइम स्केल में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और नियंडरथल्स ऑलमोस्ट क्या कोएग्जिस्ट कर चुके हैं। तो जबकि होमो सेपियंस अभी भी एग्जिस्टिंग है, नियंडरथल का ये देखो टाइमलाइन खत्म हो गया, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, या और कोई भी जो प्रजाति है वो आज के टाइम स्केल से यहाँ पे मैच नहीं कर रही है,
होमोसेपियंस के अलावा तो और कोई अभी भी लिविंग प्रजाति नहीं है। इवोल्यूशन की अगर बात करें तो वही नियंडरथल्स को ही होमोसेपियंस के सबसे क्लोजेस्ट रखा गया है। तो अब चाइना में जो ड्रैगन मैन पाया गया है, यूके के जो रिसर्चर वगैरह ऐसा बोलते हैं कि इनको एक ऑल टुगेदर न्यू स्पेसी ही बोल देना चाहिए होमोजेनस में। और इनका दूसरा नाम क्या रखा गया, ड्रैगन मैन का दूसरा नाम होमोलोंगी रखा गया है। जनरली जो नाम वगैरह रखे जाते हैं जहां पे जो स्पेसीज फाउंड हो रहा है उस स्पेसीज के जगह के नाम पे रख दिया जाता है। आगे बात करते हैं, आगे जो स्कल है, स्कल का जो ब्रेन साइज है, जो कैपेसिटी है, वो जो मॉडर्न ह्यूमन हम लोग हैं और नियांडरथल है उसके ऑलमोस्ट बराबर कंपेरेबल बोला गया। अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करो तो ह्यूमन ब्रेन की एवरेज साइज जो होती है वो 1300 से 1400 ग्राम, मतलब 1.3 केजी से 1.4 केजी के अराउंड बोला जाता है ह्यूमन ब्रेन का। और कैट का ब्रेन का साइज कितना बोला जाता है, 30 ग्राम बोला जाता है, 30 ग्राम के अराउंड होता है, कैट मतलब बिल्ली। तो अब यहाँ पे जो नए आपको ड्रैगन मैन मिले हैं उनका जो साइज है, ब्रेन का साइज, वो भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही है। और इनको पहले से क्लासिफाई नहीं किया गया है, पहले से नहीं मिला है, तो एक नए स्पेसीज के रूप में आपको आगे फ्यूचर में पढ़ने को मिल सकता है अगर आप एंथ्रोपोलॉजी वगैरह पढ़ते हो तो। आगे अब ये बात होती है कि डिस्कवरी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। तो कोई भी डिस्कवरी जब होती है तो अगर कोई नॉलेज कंप्लीट नहीं है उस नॉलेज को जोड़ने का काम करती है। और साइंटिफिक कम्युनिटी में कंसेंसस बहुत चीजों को लेके हमेशा नहीं रहती कि हमारे इमीडिएट एंसेस्टर आखिर है तो है कौन। इसके अलावा क्या हमारे जो भी स्पेसीज हैं रहे हैं आज तक उनमें क्रॉस ब्रीडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लेके भी बहुत सारे साइंटिस्टों में कंसेंसस नहीं बना होता है। तो मे भी हमारे इमीडिएट एंसेस्टर जो भी है उनसे ये रिलेट करने में, उनसे ये लिंक करने में ये स्टडी हमारी आगे क्या करे, फ्यूचर में हेल्प करे। स्मिथसोनियन जो म्यूजियम है वो ऐसा बोलता है, उसके पैलेंटियोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि हेडल बर्जेनेसिस को अपना इमीडिएट एंसेस्टर माना गया है। ये उस म्यूजियम और उसके पैलेंटियोलॉजिस्ट का मानना है। तो ये हेडल बर्जेनेसिस कौन है, यहाँ पे आप लोग देखो तो हेडल बर्जेनेसिस ये रहे, ये वाला हेडल बर्जेनेसिस टाइम स्केल पे इनको ये लोग अपना इमीडिएट एंसेस्टर मानते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या बात हो रही है, इसके अलावा ये लोग जो स्पेसीज हेडलबर्जेंसिस है ये 1908 में डिस्कवर किया गया। और ऐसा माना गया है कि 7 लाख से 20 लाख, मतलब 7 इयर्स से लेकर के अगर 2 मिलियन इयर्स तक की बात करें तब ये लोग यूरोप में, चाइना में और अफ्रीका के पार्ट में एग्जिस्ट करते थे, बट आज ये लोग एग्जिस्टिंग नहीं है। और ये जो म्यूजियम है इसके पैलियंटोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, पैलियंटोलॉजिस्ट का मतलब जो लोग बहुत पहले की हिस्ट्री या फिर आप समझो कि इवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, डायनासोर्स वगैरह क्या, या उससे भी पहले ह्यूमंस वगैरह जो भी एग्जिस्ट कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे उनका, तो उससे रिलेटेड जो अगर स्टडी करते हैं उनको हम लोग पैलियंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि नियंडरथाल जो है वो अभी के जो एग्जिस्टिंग हम लोग ह्यूमन है उसमें लगभग 1.41 से 4% तक का डीएनए ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हम लोगों में भी जो नॉन अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन के अलावा जो बाकी लोग बचे हैं, मतलब हम लोग, ठीक है, तो बाकी रेसेस में नियांडरथल का 1 से 4% तक डीएनए माया गया है। तो इसका मतलब इंटरब्रीडिंग कहीं ना कहीं रही होगी, ये लोग इंटरब्रीडिंग की थ्योरी को सजेस्ट करते हैं। और चीजें क्या है, और साथ में ये म्यूजियम वाले ये भी बोलते हैं कि इंटरब्रीडिंग के वजह से ही चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफी इम्प्रूव हुए। और डीएनए ने क्या किया, कुछ कुछ डीएनए इनहेरिट किया गया नियंडरथल से जिससे इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करने में हेल्प मिला। तो ये इन म्यूजियम वालों का मानना है। बाकी जो नया ड्रैगन मैन स्कल जो मिला है उससे लेके आगे जो थ्योरी बनेगी, आगे कंसेंसस बनेगा जो आगे इवोल्यूशन को और पढ़ने में हेल्प करेगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। आज रात को 9 बजे सिद्धांत सर ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, आप भी आ जाना, बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला होगा आपके लिए। तो जय हिंद, थैंक यू।